ग्वालियर जबलपुर जैसे शहरों में कि आइसोलेशन में घर रखने के बाद भी अगर कोई संदिग्ध मरीज पाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग हो, टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और टेस्टिंग के साथ साथ अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो इसके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। यह व्यवस्था पूरी है, उपचार की, टेस्टिंग की, उसकी चिंता आप ना करें। जिंदगी में रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए भी अनेकों कदम उठाए गए हैं, कई घोषणाएं एक नहीं, कई प्रयास हम लोगों ने किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है। मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो हमने कई प्रमुख कदम उठाए हैं। कई किसान भाइयों ने किसान क्रेडिट कार्ड के केसीसी की भुगतान की तिथि की बात कही थी, वो बढ़ा के अब 30 अप्रैल कर दी गई है। किसानों के लिए फसल की कटाई का दौर है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हार्वेस्टर आएंगे, फसल काटेंगे, उस पर कोई रोक नहीं है। आपको खाद और बीज जैसी उपयोगी चीज़ों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। एक चिंता आपको होगी कि हमारी फसल के उपार्जन का क्या होगा। थोड़ा डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, हम खरीद की भी उत्तम और पूरी व्यवस्था करेंगे। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मजदूर साथियों, मैं जानता हूं कि जब हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमको काम पर नहीं जाना, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो वो कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी पैकेज की घोषणा की है। हमने तय किया है कि राशन कार्ड धारियों को तो निःशुल्क राशन देंगे ही, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी चिंता ना करें, उनको भी निःशुल्क राशन देने की, वितरित करने की व्यवस्था हमने सुनिश्चित करने का काम किया है। उसमें राशन कार्ड की अनिवार्यता हमने समाप्त कर दी है। भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों को एक हजार रुपये की राशि उनके खाते में डालने का काम किया जाएगा। बेगा, भारिया, सहरिया जैसे जो हमारे भाई और बहन हैं, अत्यंत गरीब, 2,000 रुपया उनके खाते में डालने का हम काम करेंगे। बच्चों को भी स्कूल में मध्यान्ह भोजन मिलता रहे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। संपत्ति कर जैसे प्रोफेशनल टैक्स जैसे जो टैक्स हमको भरना था उसकी तिथि भी बढ़ा के हमने 30 अप्रैल कर दी है। एक नहीं, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं करने का हमने प्रयास किया है जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक बड़ी समस्या है बाहर जो हमारे मजदूर भाई और बहन काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। अब ये समाचार कई जगह से मिल रहे हैं कि वो अपने घरों को निकल पड़े हैं। मैं एक बार उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जहां हैं वहां रुकें, उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था, उनके आवास की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। मैंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, वहां के प्रशासन से चर्चा की है, भोजन और आवास की व्यवस्था में जो खर्चा आएगा उसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। क्योंकि ये महामारी, अगर हम बड़ी भीड़ इकट्ठी करके चलेंगे तो इसके फैलने की आशंका है, इसलिए ये आग्रह मेरा है। लेकिन गंतव्य तक अगर कोई नहीं पहुंच पाया तो उसको भी हम पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इतना जरूर है कि अपने गांव के बाहर स्कूल या अस्पताल में पूरा चेकअप कराने के बाद वो रुके, ताकि ऐसा संक्रमण अगर किसी को हो तो वो दूसरे तक ना पहुंचे। संकट बड़ा है मैं जानता हूं, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। अरे मैं उनको प्रणाम करता हूं और आपसे भी कहता हूं, उनका अभिनंदन करें जो अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के आपके स्वास्थ्य की रक्षा के काम में दिन और रात लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स बहने या नर्सिंग के काम में लगे भाई, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, हमारा सफाई कर्मी, स्थानीय निकायों के जो हमारे कर्मचारी हैं, राजस्व का अमला, हमारे पत्रकार मित्र जो सूचनाएं आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सचमुच में उन्होंने अद्भुत काम किया है।
उनको मैं प्रणाम करता हूं। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। कल मैं भोपाल की सड़कों पर निकला था, मैं पुलिस के मित्रों से मिला, मैं डॉक्टर से मिला, मैं नर्स से मिला, सफाई कर्मियों से मिला, रेवेन्यू के अमले से मिला, पत्रकार मित्र भी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा है, मैं उनके इन प्रयासों को प्रणाम करता हूं। ऋणी है उनके। कुछ उदाहरण तो ऐसे हमारे सामने आए, अशरफ अली भोपाल नगर निगम के कर्मचारी सैनिटाइजेशन का काम देखते हैं, बुधवार को मां का निधन हुआ और उनको सुपुर्दे खाक करके 2 घंटे बाद ही वो काम पर लौट के आ गए। आप ऐसे हीरोज हैं जो रियल हीरोज, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। देवास में मेरी स्व सहायता समूह की बहनें अपने घर के काम के साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में मास्क बनाने का काम कर रही है। ऐसी बहनों को भी मैं नमन करता हूं। मनासा और नीमच में 2 बच्चों ने थाने में जाकर अपने पिगी बैंक गुल्लक के पैसे दे दिए थाने में, ताकि मजदूरों के भोजन की व्यवस्था हो सके। इंदौर में बासु गुप्ता कक्षा 2 के छात्र हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन अपने मित्रों और परिजनों को ये कहा कि मुझे जन्मदिन पर कुछ नहीं दें, बल्कि कोरोना के दौरान लोगों की मदद करें और अपने हाथ धोते रहें। जबलपुर में दिव्यांग समीम बैसाखी के सहारे लॉकडाउन में फंसे ट्रक ड्राइवरों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। सभी जिलों में सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार सेवा के काम में लगी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी आभारी हूं। 45 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने का काम उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम अलग अलग जिलों में कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती, विद्या भारती, एक नहीं अनेकों संस्थाएं हैं जो इस काम में दिन और रात लगी है। अनेकों स्वयंसेवी संगठन हैं जो लोगों को भोजन कराने का काम और अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति का काम कर रहे हैं। संकट के समय समाज की ये ताकत हमको हिम्मत देती है। मित्रों, मैं फिर कहना चाहता हूं, आइए मिलकर कोरोना से लड़ें और इसको परास्त करें। मेरा विश्वास है हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अब मित्रों, कुछ सवाल आपके दिमाग में जो आप पूछ रहे हैं, सीमित समय में जितने सवाल लिए जा सकते हैं उतने सवालों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आइए अब आपके सवालों के उत्तर के लिए मैं तैयार हूं। मेरे पास पहला सवाल है उपासना अग्रवाल जी का। उन्होंने पूछा, कोरोना से बचाव के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? उपासना जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। त्रिस्तरीय प्रयास है हमारे। सबसे पहली चीज तो यही है कि कोरोना से अगर बचना है तो नंबर 1, हम अपने आप को अपने घरों में रखें। लगातार सरकार, प्रशासन और समाज ये अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहें। अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अगर हमको जाना पड़ता है कहीं बाहर सब्जी के लिए, दवाई के लिए, तो उसमें केवल 1 व्यक्ति जाए। आपने देखा होगा कई शहरों में जब हम जाते हैं तो चूने से पेंट से गोले बनाए हुए हैं, एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हमने कहा है, 3 फीट की दूरी कम से कम रखें। उसके लिए लोगों को एजुकेट करने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी कोई बीमारी है तो ये हर बीमारी कोई कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होती। ऐसी बीमारी में घर पर ही वो अस्पताल ना जाए, घर पर ही सर्दी, खांसी, जुकाम इसके इलाज की व्यवस्था हो जाए। कई प्रमुख शहरों में बाकी जो विभाग थे उनकी गाड़ियों को भी मोबाइल वैन बनाने का हमने प्रयास किया है। टोल फ्री नंबर है, उस पर अगर फोन करते हैं तो उस फोन के आधार पर भी सर्दी, खांसी,